गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग रिविजन कर रहे हैं। आज सैटरडे और सैटरडे का दिन हमारे लिए रिविजन का दिन होता है, तो आज हम रिविजन कर रहे हैं हम एक्टिव पैसिव टेंस का। हम एक्टिव पैसिव वॉइस कर चुके हैं और लगभग 6 क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में सारा समझाया था, तो आज हम शॉर्ट में रिविजन करेंगे और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दूंगी दैट यू विल हैव टू डू इन योर कॉपी। तो देखिए, एक्टिव से पैसे में सिंपल से 3 चेंजेस होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट चेंजेस है यूज ऑफ बाय। यहाँ बाय का यूज होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। और तीसरा क्या रहता है, यूज ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तीसरा इसका ये मेन चेंजेस है। इसके बाद आते हैं टेंस चेंजेस। तो टेंस चेंजेस कैसे होंगे, जैसे ये मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें एक साइड और एक्टिव के और टेंसेस की ओरिजिनल फॉर्म्स रीड करती है कि एक्टिव सेंटेंसेस में वो क्या रहेंगे और उनके पैसिव चेंजेस क्या होंगे। मैं ये आपके सामने फटाफट से टेबल रीड आउट कर लेती हूँ। प्रेजेंट सिंपल टेंस है जिसमें बी वन के साथ एस या एस लगता है और जब वो पैसिव में चेंज होता है तो एज एन आर के साथ बी थ्री यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वो चेंज होगी इज एम आर के साथ आई एन जी हट के लिए बी लग जाएगा यानी वो बी बन जाएगा, जो बी वन था वो बी थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की आई डी हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पर जब हम पैसिव में बदलते हैं हैज हैव तो एज अ हेल्पिंग वर्ब आते हैं, अब बीइंग लग रहा है क्योंकि हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आएगी एज फॉर पैसिव। फिर है पास्ट सिंपल जिसमें कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, तो वो जब चेंज होगा वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर्ब प्लस बी वन प्लस आई एन जी, क्यों कंटिन्यूअस है इसलिए आई एन जी, तो वॉज और वर्ब एज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आई एन जी के लिए, बीइंग आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर है पास्ट परफेक्ट, पास्ट है और वो भी परफेक्ट है, तो हैड पास्ट की टेंस है, हेल्पिंग वर्ब हो गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट के हिसाब से। लेकिन जब हम आगे चेंज करेंगे हैड के साथ बी थ्री के रूप में बी लगेगा और ओरिजिनल बी थ्री लगेगा इसके परफेक्ट ये पैसिव के हिसाब से। फिर फ्यूचर सिंपल विल और शैल और हमेशा फ्यूचर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सॉरी। फिर विल और शैल और ये है बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में बी थ्री फॉर पैसिव। फिर है गोइंग टू वाले सेंटेंसेस, तो इज एम आर के साथ गोइंग प्लस टू ये हो गया जी गोइंग प्लस टू, तो जब ये चेंज होंगे इज एम आर गोइंग और गोइंग के साथ क्या लगेगा टू और बी, ठीक है गोइंग टू बी और उसके साथ आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से ये शॉर्ट में मैंने आपको टेंसेस बताए। अब मैं 5 सेंटेंस दे रही हूँ आपको, ये आप अपनी नोटबुक में चेंज करके लिखने हैं। आप चाहे तो मेरे बाकी के एक्टिव पैसिव की डिटेल्ड वीडियो फिर से देख सकते हैं और उनको एक बार देख के आप ये सेंटेंसेस कन्वर्ट कीजिए चेंज इनटू पैसिव। दीज आर एक्टिव सेंटेंसेस। पहला है ही हैज मिस्ड द ट्रेन, आई प्लेड टेनिस, शी वाज राइटिंग अ स्टोरी, दे हैड वन द गेम, Someone has stolen my purse. These are 5 sentences which you have to translate, which you have to convert into passive. जो आपको passive में convert करने, उनको change करना, change the voice of these sentences. Okay, guys. Now, please like my video and share it with your friends. Thank you.